जिंदगी में किसी को ये बोलने का मौका नहीं देना चाहिए कि आप कमजोर हैं। हर किसी के जीवन में कई चुनौतियां हैं जिनसे इंसान खुद पार पाता है। ऐसे में अपने जीवन में हर कोई साहसी है। ये बात इंडियन नेवी की लेफ्टिनेंट कमांडर एवं तारिणी टीम की सदस्य रह चुकी प्रतिभा जम्बाल ने एबीवीपी का मिशन साहसी मेकिंग ऑफ ए फेयरनेस के समापन समारोह में कही। धर्मशाला कॉलेज ग्राउंड में एबीवीपी के मिशन साहसी के समापन पर बतौर वरिष्ठ अतिथि शिरकत करने पहुंची प्रतिभा जम्बाल ने कहा कि मुझे एबीवीपी के मिशन साहसी का हिस्सा बनकर खुशी हो रही है। पूर्व में मार्शल आर्ट की छात्रा रही प्रतिभा ने कहा कि छात्रों को आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। छात्राएं अपने जीवन में किसी न किसी खेल को जरूर अपनाएं क्योंकि खेलें आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महिलाएं उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं ऐसे में वर्तमान दौर में मार्शल आर्ट सीखना अनिवार्य हो जाता है। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग और शिक्षा से साहस आता है और कौशल विकसित होता है। गौरतलब है कि 254 दिन में विश्व भ्रमण करने वाली इंडियन नेवी INSV तारिणी की 6 सदस्यीय दल की सदस्य रह चुकी हैं। प्रतिभा जम्बाल जिला कुल्लू की रहने वाली हैं तथा उनकी शादी पालमपुर में हुई है। एबीवीपी का मिशन साहसी मेकिंग ऑफ द फेयरनेस जो कि 23 अक्टूबर को शुरू हुआ था इसका समापन हो गया। मिशन के तहत मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने वाली छात्राओं ने अपने ट्रेनर की देखरेख में धर्मशाला कॉलेज ग्राउंड में उसका प्रदर्शन किया। जी आज यहाँ इस मिशन का हिस्सा बनके मुझे बहुत खुशी एक अनुभव हुई है कि मैं अपने आप भी एक मार्शल आर्ट्स की छात्रा रह चुकी हूँ। मैंने 3-4 सालों तक मार्शल आर्ट सीखा है और इन छात्राओं को देखकर ये आज का डेमोन्स्ट्रेशन देखकर मुझे एक विश्वास हुआ है कि जो हमारी यहाँ की आज की छात्राएं हैं वो इस मार्शल आर्ट्स के आर्ट को अपने लाइफ में इनकल्केट करेंगी और बहुत कुछ चीजें हैं जो मैंने मार्शल आर्ट से सीखी हैं, ना केवल सेल्फ डिफेंस बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी। तो मेरा मानना है कि ये इनके जीवन में एक टर्निंग प्वाइंट जरूर साबित हो सकता है। जी मेरा यही संदेश है महिलाओं के लिए, आज इन छात्राओं के लिए, कि अपनी जीवन में एक ऐसा गेम या ऐसा कोई स्पोर्ट इनकल्केट जरूर करें, भी एक मार्शल आर्ट या कुछ और, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में, एक सेल्फ रियलाइजेशन में हेल्प करे, जो आपको एक टीम स्पिरिट के बारे में आपका नॉलेज बढ़ाए, क्योंकि ये सब चीजें आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत काम आती हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा यही संदेश रहेगा हर एक छात्रा को, बल्कि हर एक महिला और पुरुष को, कि आपकी जो लिमिटेशन है, जो आपकी क्षमताएं हैं, वो किसी और को डिफाइन ना करने दें। आपके लिए जो आप हैं वो आप खुद डिफाइन करें कि आप क्या बन सकते हैं। किसी को ये अलाउ ना करें कभी कि ये बोलने के लिए कि आप किसी से कम हैं या आप किसी पर्टिकुलर जगह से आती हैं या आपके कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो वो आपको डिफाइन नहीं करते हैं। आपका अपनी हिम्मत और साहस जो है आपको डिफाइन करते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि मार्शल आर्ट सीखना, मेरा मानना है कि जी बिल्कुल बहुत मैंडेटरी चीज है। आजकल का हम सिनेरियो देखते हैं, जिस तरह के हम इस समय पढ़ते हैं, हर रोज कुछ ऐसे हादसे होते हैं। तो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मार्शल आर्ट्स जैसे जो आर्ट फॉर्म है, जो स्पोर्ट फॉर्म है, ये ना केवल आपका सेल्फ डिफेंस के लिए आपको तैयार करते हैं, बल्कि इस मिशन से जुड़े थे तो मुझे सेलिंग के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं हिमाचल से हूँ तो मैं यही कहूंगी, मैंने समुद्र भी नेवी में ज्वाइन करने के बाद ही देखा था। तो बट मुझे ये चीज जरूर थी कि मैं, जैसा मैंने अभी कहा कि मैं, आपने आपको रिस्ट्रिक्ट किसी और की सोच से नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ तो लोग सोचते हैं कि हिमाचली पानी से बहुत डरते हैं, पर किसी और की सोच है, ये मेरी सोच नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना ट्राई, प्रैक्टिस की जाए तो हर एक चीज अचीवेबल है। तो हमारी ट्रेनिंग हुई 3 सालों तक, जिनमें हमें बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना भी करना पड़ा और हमने हर एक छोटी से लेके बड़ी चीज सीखी उस ट्रेनिंग के दौरान। तो इसीलिए जब हमने 3 बड़े तूफानों का सामना किया, जो कि हरिकेन फोर्स के तूफान थे, 150 किलोमीटर पर आर की स्पीड से हवाएं चलती थी, 3-3 मंजिल के बराबर की लहरें उठती थी, तो वो सब फेस करने का हमें हिम्मत भी थी और जज्बा भी था, बिकॉज हमारे सामने एक गोल भी था। तो ये सब चीजें हम इसीलिए कर पाए क्योंकि हमने ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई थी, हमने 2.5 साल तक ट्रेनिंग की थी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। समापन समारोह में SP संतोष पटियाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान SP
संतोष पटियाल ने कहा कि मिशन साहसी अच्छी पहल है, इससे छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सीखने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा भी समर्थ स्कूलों में जाकर छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा के लिए फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटली फिटनेस होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि समर्थ योजना के तहत हजारों छात्रों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। एसपी ने कहा कि न केवल छात्रों बल्कि महिलाओं को भी आत्मरक्षा के गुर सीखने चाहिए। अगर आप देखेंगे तो हम पहले से ही जो है समर्थ योजना पुलिस चला रही है, जिसमें स्कूली बच्चियों को अनआर्म्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, और ये मेरे को लगा कि बहुत अच्छा इन्होंने इस प्रोग्राम के थ्रू इस चीज को सप्लीमेंट किया, और बच्चियों को फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल टफनेस बहुत जरूरी है, वो चीज इसमें इम्पार्ट की गई। इससे जो है इस तरह के कार्यक्रमों से एक तो जो है वो अवेयरनेस बढ़ती है कि ऐसा कुछ है, और तो दूसरा बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो रिएक्ट कर सकते हैं और बाकी जगह बता सकते हैं। तो मेन चीज है अवेयरनेस क्रिएट करना, मेंटल टफनेस को इनकी बढ़ाना और साथ साथ इनको फिजिकली भी ज्यादा फिट करना। ये चीजें अगर होती है तो जो बच्चियों और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनमें डेफिनेटली कमी आएगी। सबसे पर एबीवीपी की प्रांत से छात्रा प्रीति ने कहा कि मिशन साहसी छात्राओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने एवं अपनी सुरक्षा स्वयं करने के उद्देश्य से चलाया गया है। वहीं प्रशिक्षण लेने वाली छात्राओं ने कहा कि इससे हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और मुसीबत के वक्त हम मार्शल आर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। छात्राओं ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण समय समय पर होने चाहिए जिसका लाभ उनको मिल सके। इससे हमारी सेफ्टी के लिए बताया है हमें कि हमारी सेफ्टी के लिए बताया कि हमें कोई छेड़े वगैरह तो हम अपनी सेफ्टी के लिए ये कराटे वगैरह से यूज कर सकते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा अनुभव था, हमें अपने शेड्यूल से हटकर कुछ सीखने को मिला, और जो कि आज के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि महिलाओं को आजकल अपने लिए सतर्क होना बहुत जरूरी है। तो इस चीज से हमें बहुत सी नई टेक्निक्स का पता चला जिनके थ्रू हम अपने बचाव कर सकते हैं। इस तरह कोई भी ऐसा नहीं होगा जो हम पे अटैक करो हम अपने आप को बचा ना पाए, तो कुछ बहुत सारी चीजों का अनुभव हुआ। मतलब मेरी तो ये पहले से ही आइकन है, मैं तो स्पेशली इनके लिए भी अटेंड करने आई हूँ, मैं इनको फॉलो भी करती हूँ। जो इन्होंने तारिणी के थ्रू किया वो मेरे लिए तो बहुत मतलब एक इम्पैक्ट है मेरे लिए बहुत अच्छा। तो ये तो गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा आइकन है कि इन्होंने एक सरकम प्रिंस पे जो पूरा एक वो किया बोट के थ्रू, जो भी इन्होंने तारिणी के थ्रू किया वो बहुत ही अच्छा था, और मेरे लिए तो ये है ही है आइकन, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा एम फिलहाल, मैं बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ती हूँ, मेरा एम यही है कि फिलहाल आगे जाना है, पर कुछ इनकी तरह भी कुछ नेवी में करने की मन है, पर अभी देखो अभी बीएससी एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हूँ मैं।